नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। भारत सरकार ने किसानों से दिए गए लिखित प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच लंबे समय से गतिरोध जारी है, जिसके चलते एक बार फिर से सरकार ने रविवार देर शाम प्रदर्शनकारी किसानों को 4 पेज का पत्र भेजकर आग्रह किया है कि सभी किसान संगठन उसके पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करके अपनी शेष शंकाएं बताने का कष्ट करें। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इस संदर्भ में किसानों के संगठनों को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा, विनम्रतापूर्ण अनुरोध है कि पूर्व आमंत्रित आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधि शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा पुनः वार्ता हेतु सुविधानुसार तिथि से अवगत कराने का कष्ट करें। संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल का यह पत्र क्रांतिकारी किसान सभा के नेता दर्शनपाल सिंह की ओर से 16 दिसंबर को कृषि मंत्रालय को भेजे गए ईमेल के जवाब स्वरूप भेजा गया है। दर्शनपाल सिंह ने 16 नवंबर को सरकार के उस लिखित प्रस्ताव का जवाब भेजा था जो सरकार की ओर से 9 दिसंबर को किसान संगठनों को भेजा गया था। विवेक अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि दर्शनपाल सिंह अपने ईमेल में सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव का कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया है। सरकार के आमंत्रण पर विचार करने के लिए सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में सभी संगठनों की बैठक होगी। इस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि सरकार के आमंत्रण को स्वीकार करना है या नहीं। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।